आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 खबरों की। पिछले 3 दिनों से देश में कम आ रहे कोरोना संक्रमण के नए केस, 15 फरवरी से मामलों में गिरावट की उम्मीद। पूरे उत्तर भारत में सर्दी की मार, आने वाले दिनों में राज्यों में बढ़ेगी ठंड। राष्ट्रध्वज का अपमान करने के लिए अमेजॉन की आलोचना, सोशल मीडिया पर खूब उड़ाई किरकिरी। कोरोना और वैक्सीनेशन पर मनसुख मंडाविया की अहम बैठक, आज यूपी पंजाब समेत कई राज्यों के साथ करेंगे समीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को फिर आए धमकी भरे फोन, 26 जनवरी को दिल्ली में कश्मीर का झंडा लगा और अनुच्छेद 370 हटाने का जिक्र। बसपा ने बरेली में घोषित किए 4 प्रत्याशी, सपा की बागी शालिनी सिंह को बनाया उम्मीदवार। लोनी सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रंजीता धामा ने भाजपा विधायक पर लगाए बेहद गंभीर आरोप। बबीता फोगाट और प्रत्याशियों समेत 252 पर केस दर्ज, चुनाव प्रचार में आचार संहिता और कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का आरोप। शिवपाल का दावा, करहल से अखिलेश को मिलेगी ऐतिहासिक जीत। संबित पात्रा ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, वो पाकिस्तान का भारत का असली दुश्मन नहीं मानते। दक्षिण चीन सागर में क्रैश हुआ अमेरिका का फाइटर जेट F-35, पायलट सुरक्षित, 7 जवान घायल। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान के सलाहकार शहजाद अकबर ने दिया इस्तीफा। पाकिस्तान ने अपनी नौसेना में चीन निर्मित बहुउद्देशीय फ्रिगेट को शामिल किया। यूक्रेन के पास बढ़ा जमावड़ा, नाटो ने पूर्वी यूरोप में भेजे लड़ाकू विमान और युद्धपोत। चीन में कोरोना के 57 नए मामले आए सामने, बीजिंग में 39 लोगों की संक्रमण में पुष्टि। अश्विन पर मांजरेकर ने फिर साधा निशाना, दक्षिण अफ्रीका में वनडे सीरीज हारने का जिम्मेदार बताया। पाकिस्तान है भारत से मजबूत, T20 वर्ल्ड कप 2022 में फिर हारेगी टीम इंडिया, शोएब अख्तर ने की भविष्यवाणी। सुपर जायंट से है लखनऊ फ्रेंचाइजी का पुराना कनेक्शन, 5 साल पहले टीम खेल चुकी है फाइनल। टीम इंडिया को वनडे सीरीज हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज गेंदबाज केशव महाराज ने कहा जय श्री राम। ब्रैंडन टेलर का सनसनीखेज खुलासा, कोकीन लेते हुए मेरा वीडियो बनाकर फिक्सिंग के लिए दबाव डाला गया। अक्षय कुमार ने मुंबई में खरीदा अपना नया घर, 7.8 करोड़ रुपए में मिला सपनों का आशियाना। लोगों को वोट के लिए करण जौहर कर रहे जागरूक, कू ऐप की पहल से जुड़े फिल्म मेकर। फिल्म बधाई दो के नए पोस्टर में सीक्रेट छुपाते दिखे राजकुमार राव, भूमि पेडनेकर ट्रेलर जल्द होगा रिलीज।
फिल्म गहराइया के प्रमोशन में अनन्या पांडे की ठंड से हालत हुई खराब, सिद्धांत चतुर्वेदी बने सहारा। इंडियाज गॉट टैलेंट में आग के बीच फंसा कंटेस्टेंट, जज बादशाह ने चीख सुनकर रुकवाया टास्क। पांच मिनट की 25 खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।